और प्रभु ने चाहा तो आज हम संसार में एक विश्वासी का, एक मसीही का की गवाही किस तरह की होनी चाहिए, इसके विषय में आज देखने वाले हैं। और प्रभु ने चाहा तो कल हम कलीसिया में एक विश्वासी का या एक मसीही का की गवाही कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर हम ध्यान करेंगे। मैंने इसके जो प्रमुख जो बिंदु हैं उन्हें हिंदी में मैंने टाइप किया है, और मैं चाहता हूँ कि आपके सामने उसे प्रोजेक्ट कर दूँ तो उसे समझने में थोड़ी सी और हमें आसानी होगी। मैं सोचता हूँ आप सभी को स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्लियर है, और मेरी आवाज़ क्लियर है। ओके, धन्यवाद। आज हम मसीही गवाही संसार में हमारी गवाही के विषय में हम देखने वाले हैं। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि हमें परमेश्वर ने इस संसार में एक गवाह के रूप में रखा, एक विटनेस के रूप में रखा है। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के प्रारंभिक समय से लेकर जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया, जो बताया, उन सारी बातों में हम बार बार एक बात देख सकते हैं। वे कहते हैं कि हम इन सारी बातों के गवाह हैं। उन्होंने अपने जीवन के द्वारा और अपने बातों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी। और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है, एक मसीह के रूप में, एक विश्वासी के रूप में इस संसार में हमारी गवाही कैसी होनी चाहिए या हमें गवाह होना है, ये इस विषय पर हम देखने वाले हैं। प्रायः विश्वासियों के अंदर दो गलत अप्रोच या तरीके होते हैं। जब हम संसार में हैं तो संसार में हमारा जो आचरण होता है उसमें दो तरह के गलत चीजों को देखा जा सकता है। एक अप्रोच ये है कि हम अपने आप को पूरी रीति से काट लेते हैं, हम विश्वासी हैं और इसलिए हमारा अविश्वासियों के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, बस हम अत्यावश्यक जो चीजें हैं उसे करेंगे और बाकी उसके अलावा हम लोगों के साथ कोई भी मेल जोल नहीं रखेंगे। ये एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से हम एक प्रभाव, एक मसीही जीवन का जो प्रभाव अविश्वासियों के ऊपर होना चाहिए वो नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच, ये गलत एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि संसार के लोगों के समान बन जाना या फिर उनके तौर तरीकों के साथ समझौता कर लेना, ये भी एक गलत तरीका है। अंग्रेजी में अगर कहें तो एक तरीका है कि अपने आप को आइसोलेट कर लेना और दूसरा है कि अकोमोडेट कर लेना या फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ये दोनों चीजें गलत है। हमें विश्वासी के रूप में या एक मसीही गवाह के रूप में बहुत जरूरी है कि हम समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं वहां पर, उससे हम अपने आप को आइसोलेट ना करें, अपने आप को काट ना लें, बल्कि उनके बीच में रहकर उनके समान न होते हुए परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें। हमारे जीवन के, हमारे भक्तिपूर्ण जीवन के द्वारा परमेश्वर के गुण दिखाई दें। बहुत साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, इसका टाइटल इस तरह से था, आउट ऑफ द सॉल्ट शेकर एंड इन टू द वर्ल्ड। अर्थात आपने देखा होगा कि हम अपने डाइनिंग टेबल पर या फिर अपने घर में जो है नमक की छोटी सी शीशी रखते हैं, और विशेषकर डाइनिंग टेबल पर रखते हैं क्योंकि हम अगर खाने में अगर नमक कम है तो हम उसको नमक डालते हैं ना। तो नमक का जो बर्तन है उसके अंदर नमक दिखने में बहुत अच्छा दिखाई देता है, है ना। अगर नमक के जो क्रिस्टल्स हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ बातचीत करना कर पाते तो वो कह सकते थे कि कितनी अच्छी संगति है, कितना अच्छा है हमारे इस बर्तन के अंदर, कितना बढ़िया लग रहा है और हम इसके अंदर कितने सुरक्षित हैं, कितना अच्छा लग रहा है। परंतु नमक के उस बर्तन के अंदर जो नमक है उसका प्राथमिक उद्देश्य जो है वो उस बर्तन के अंदर ही रहना नहीं है, परंतु उसका उद्देश्य क्या है, सब्जियों में या किसी चीज के अंदर डाला जाना, उसे स्वाद देना या किसी चीज को प्रिजर्व करना, उसको सुरक्षित रखना। तो ये है सॉल्ट का या जो नमक का जो उद्देश्य है। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने शिष्यों को बताया, तुम संसार का नमक हो, तुम संसार की ज्योति हो। तो ये दोनों तरीके गलत हैं, अर्थात अपने आप को काट लेना और दूसरा तरीका ये कि समझौता कर लेना, उनके समान बन जाना। कलीसिया में आते हैं तो हमारा एक रूप, और जब संसार में रहते हैं तो हमारा दूसरा एक रूप। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। परमेश्वर के संतान होने के
के कारण ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के गुण प्रकट करें और वो हमेशा एक समान रहे, चाहे हम कलीसिया में हो, चाहे फिर संसार में हो, चाहे विश्वासियों की उपस्थिति में हो, चाहे अविश्वासियों की उपस्थिति में हो। तो समझौता करना भी एक सही तरीका नहीं है। तो फिर सही तरीका क्या है? हम संसार में तो हैं, परंतु संसार के समान नहीं है। संसार में इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं, संसार के हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, परंतु उनके समान नहीं बनते हैं। दानियल की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 8वें पद में हम इस तरह से पढ़ते हैं कि दानियल ने एक निर्णय ले लिया, उसने मन में ठान लिया करके लिखा है। यदि कोई उसे पढ़ ले तो बहुत मेहरबानी होगी। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना हुए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। धन्यवाद ब्रदर। हम यहाँ देखते हैं कि दानियल ने एक मन में ठान लिया, एक निर्णय लिया, एक ठोस निर्णय लिया कि मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। आप जानते हैं, इसके पहले के पदों को आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि वहां दानियल और उसके जो मित्र थे उन सबके नाम बदल दिए गए, और यदि आप देखें तो आप वहां देख सकते हैं कि उनको वहां के देवी देवताओं के नाम डाल दिए, उनके देवताओं के नाम डाले गए। अब उसमें वो कुछ कर नहीं सकते थे, परंतु एक कार्य जो कर सकते थे वो ये था कि वे अपने जीवन को अशुद्ध होने से बचा लें। नाम बदलना बदल दो, है ना, परंतु हम अपने आप को अशुद्ध होने नहीं देंगे। तो ये बहुत ही उत्तम एक उदाहरण है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हम इस संसार में रहते हुए भले ही लोगों के समान न बने, परंतु हमारी जिम्मेदारी, आगे जाकर हम देखें तो दानियल के पुस्तक में हम देख सकते हैं कि दानियल और उसके जो मित्र थे उन्होंने उस पूरे साम्राज्य के ऊपर, सिर्फ एक नहीं, दानियल का तो हम देख सकते हैं कि तीन साम्राज्यों पर दानियल के जीवन का प्रभाव पड़ा। तो क्या दानियल ने समझौता कर लिया? क्या नहीं, वो उनके बीच में रहा, परंतु उसने अपने अपने परिवर्तित जीवन के द्वारा, अपने अलगाव के जीवन के द्वारा उसने उनके ऊपर अपना प्रभाव डाला। तो एक सही तरीका मसीही गवाही का यही है कि हम संसार में हैं परंतु संसार के समान नहीं, परंतु संसार के ऊपर हमारे मसीही जीवन का प्रभाव पड़ता है। अब इस विषय के बारे में हम देखें तो दो बातें देख सकते हैं। पहली बात यह है कि संसार में हमारी मसीह गवाही जो है दो बातों के द्वारा होती है। पहली बात तो हमारे जीवन के द्वारा, और दूसरा है वचन के द्वारा। और यदि इससे सरल तरीके से हम समझें तो ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जीवन लोगों से बात करता है, और हम जब सुसमाचार लोगों को सुनाते हैं तो उसके द्वारा भी हम अपनी गवाही देते हैं। देखिए, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। हमें अपने जीवन के द्वारा गवाही देनी है, और सुसमाचार के द्वारा या वचन के द्वारा भी मसीही गवाही पेश करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंतु मैंने इसमें जो जीवन है इसे पहले इसलिए रखा है क्योंकि यदि हमारा जीवन अगर सही ना हो तो फिर हम अपने बातों से जितनी भी कोशिश कर लें, हम लोगों के ऊपर एक प्रभाव नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे बातों से कहीं अधिक बढ़कर हमारा जीवन है जो लोगों से बातचीत करता है। किसी ने इस तरह से कहा कि तुम्हारा जीवन इतनी जोर से बात कर रहा है कि मुझे तुम्हारी बातें सुनाई नहीं दे रही हैं। इसका अर्थ क्या है कि कई बार लोगों के का जो जीवन है, उनकी जो करनी है, उनकी कथनी और करनी में इतना बड़ा फासला होता है कि लोग उनकी बातचीत को गंभीरता से नहीं लेते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इसलिए जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैंने इसे कुछ भागों में उसे विभाजित किया है। मसीह गवाह के रूप में, मसीह गवाही में कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो मैंने इस तरह से उसे विभाजित किया है कि हमारा जो आचरण है, विशेषकर हम जिस स्थान पर रहते हैं। जी ब्रदर, अगर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, एक ब्रदर,
अभी आ रही है ब्रदर? नहीं आ रही है। क्लियर नहीं है ब्रदर? हेलो ब्रदर स्टीफन। हेलो 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 ओके ब्रदर आपका आप हाँ आप नहीं ब्रदर की आवाज तो क्लियर आ रही है। ओके ठीक है फिर भी आगे भी अगर कुछ भी हो तो डिस्टरबेंस हो तो प्लीज बता दें मुझे। धन्यवाद। तो हम जिस स्थान पर रहते हैं जिस क्षेत्र में हम रहते हैं परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य के साथ हमें उस स्थान पर रखा है। ये संयोग नहीं है कि जिस स्थान पर हम रहते हैं वहां पर हम रह रहे हैं। परमेश्वर ने हमें वहां पर रखा है और ये प्रभु की इच्छा है कि हमारे वहां रहने के द्वारा हमारे आचरण के द्वारा हमारी मसीही गवाही जो है विश्वासी के रूप में गवाही जो है वो दिखाई दे। मैं चाहूंगा कि हम इन भागों को पढ़ लें। पहला पत्रस 2:12 को ही पढ़ लें। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के देख परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद ब्रदर। अन्य जातियों के बीच में तुम्हारा जो आचरण है वो भला हो इस तरह से पतरस यहाँ पर स्मरण दिलाता है। देखिए हम जहाँ रहते हैं हमारे आसपास कई लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं और हमारा जीवन बहुत सामर्थ्य के साथ बातचीत कर रहा है मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए पतरस स्मरण दिलाता है कि हमारा आचरण भला होना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 5:16 को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों हम जिस क्षेत्र में रहते हैं जिस इलाके में हम रहते हैं वहाँ पर लोग हमारे जीवन को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारे जीवन को देखते हैं और इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने आचरण को हमारे मसीह आचरण के द्वारा हमारे भले कामों के द्वारा लोग देख सकें कि हम परमेश्वर की संतान हैं हम विश्वासी हैं है ना। और ये जो अच्छा आचरण है ये जो भला आचरण है ये कहाँ से उत्पन्न होता है? ये एक भक्तिपूर्ण चरित्र में से उत्पन्न होता है। अ गॉडली कैरेक्टर है ना भक्तिपूर्ण चरित्र में से उत्पन्न होता है। रोमियो 12:2 में हम कैसा पढ़ते हैं मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 12:2 इस तरह से लिखा है इस संसार के सदृश न बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस संसार के सदृश नहीं होना है परंतु हमारे मन के नए हो जाने से। देखिए एक अच्छा आचरण या एक भला आचरण भले मन से निकलता है। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मन के अंदर जो भरा है वही मुंह से निकलता है ना। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम अपने हृदय को सुरक्षित रखें एक अच्छे मन को एक हमारा जो मन है वो नया होता जाए परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के द्वारा परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने के द्वारा उसके अनुसार चलने के द्वारा हमारा मन बदलता जाए। और चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। कई बार हम इसके विषय में ज्यादा चिंतित रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचते हैं और इसलिए जो चरित्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि हम अपने मन को अपने हृदय को पवित्रता में सुरक्षित रखेंगे तो फिर वो बहुत ही स्वाभाविक रूप से वो हमारे आचरण के द्वारा दिखाई देगा। जब हम लोगों के साथ बातचीत करेंगे जब लोगों के साथ बैठेंगे व्यवहार करेंगे जब लोग कई बार हम जिस स्थान पर रहते हैं नेबरहुड में रहते हैं आस पड़ोस में रहते हैं कई बार लोगों का आचरण हमारे प्रति हो सकता है कुछ अच्छा ना हो परंतु उसके प्रति हमारा प्रत्युत्तर कैसा होता है लोगों के साथ हम किस तरह से बातचीत करते हैं हमारी भावनाओं को हम किस तरह से प्रकट करते हैं। मैं चाहूँगा कि कुछ भागों को हम निकाल लें।
पहला पत्रस पांचवा अध्याय उसका आठवां पद, कोई उसे पढ़ लें, पहला पत्रस पांच का आठ। मेरी आवाज आ रही है क्या? ठीक है ठीक है, मैं पढ़ देता हूं अकेले। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। देखिए, हमारा एक विरोधी है जो हमेशा हमें किसी तरह से पाप में गिराने के लिए, हमें गिराने के लिए, हमें फाड़ खाने के लिए हमेशा इस फिराक में रहता है। और बहुत जरूरी है कि हम सतर्क रहें, अपने जीवन को सुरक्षित रखें, पवित्रता में बनाए रखें। याकूब 1:9 में हम इस तरह से पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 19वां पद हम पढ़ते हैं। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हम किस तरह से बातचीत करते हैं, कई बार हमारे लापरवाही के शब्द जो है कई बार लोगों को बहुत अधिक उनका नुकसान कर देते हैं, कई बार उसके कारण हमारी मसीही गवाही जो है खराब हो जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने शब्दों को प्रभु यीशु मसीह के नियंत्रण, परमेश्वर के नियंत्रण में लाएं। हम बोलने में धीर रहें, सुनने में तत्पर रहें और क्रोध में धीमे रहें। दूसरा कुरिन्थियों 10:5 में प्रेरित पौलुस बताता है कि हमें अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के अधीन लाना है, है ना। हम उस भाग को भी जल्दी से पढ़ लेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 5वां पद इस तरह से हम पढ़ते हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। कई बार हम भावनाओं के आवेग में आकर, है ना, कुछ भी बोल देते हैं कई बार, या फिर हमारे विचारों को हम अपने नियंत्रण में न रखने के कारण हमारा जो आचरण है वो बहुत गलत हो जाता है और इसके कारण जिस तरह से एक हमारी मसीही गवाही होनी चाहिए वैसे नहीं हो पाती। इसलिए प्रेरित पौलुस हमें बताता है कि हमें अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को मसीह का आज्ञाकारी बनाना सीखना है। तो हमारे शब्दों को, हमारे विचारों को और अपने भावनाओं को, दूसरा तिमुथियुस 2:22-23 में हम पढ़ते हैं, आपको मैं सोचता हूँ कि आप उससे परिचित हैं। प्रेरित पौलुस बताता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, हमें ऐसे हर कार्य से दूर रहना है जो हमारे चरित्र को बिगाड़ती है, जो हमें अशुद्ध कर सकती है। क्यों? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि हम अपने जीवन को अच्छे चरित्र में सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हम जिस स्थान पर प्रभु ने हमें रखा है वहां पर प्रभु के अच्छे गवाह होकर हम नहीं जी सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें मेरे प्रिय भाई और बहनों कि हम इन क्षेत्रों के ऊपर ध्यान दें। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम अपने शब्दों को, अपने जीभ को लगाम देना सीखें, प्रभु के अधीनता में उसे लाना सीखें, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को मसीह का आज्ञाकारी बनाएं, अपने कार्यों को प्रभु के अधीन लाएं। ऐसा कोई कार्य, किसी कार्य में हम न लिप्त हों जो प्रभु के नाम का अपमान का कारण बने। फिर अगला क्षेत्र है अपने कार्यस्थल पर मसीही गवाही। हम जहां पर कार्य करते हैं, एक तो हम जहां पर रहते हैं, दूसरा है हमारा, हम जिस स्थान पर अपने कार्यों को करते हैं। हम में से कई लोग हैं जो नौकरी करते हैं, कुछ लोग हैं जो कुछ व्यापार करते होंगे। तो हम जहां पर काम करते हैं वहां पर हमारा आचरण कैसा होना चाहिए एक विश्वासी के रूप में? कुलूसियों उसके 3 अध्याय उसके 22-24 तक हम इस तरह से पढ़ते हैं। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने के समान दिखाने के लिए नहीं
परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। कितने ही स्पष्टता के साथ प्रेरित पौलुस यहां बताता है कि हमारे कार्य क्षेत्र में हमारा आचरण या हमारी मसीह गवाही कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। यहाँ पर प्रेरित पौलुस बताता है कि सबसे पहली बात तो जो हमारे ऊपर रखे गए हैं, प्रभु ने जिन्हें हमारे ऊपर रखा है उनके प्रति हमारी अधीनता स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। यदि अपने कार्यस्थल में हम अपने जो ऊपर जो अधिकारी हैं या जो हमारे ऊपर हैं उनको हम चुनौती देते रहेंगे, उनकी बातों को नहीं मानेंगे, हम विद्रोही एक स्वभाव को दिखाएंगे, तो हम किस तरह से मसीह गवाही को पेश कर सकते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हम जो कुछ करते हैं, हमारे जो कार्य हैं, जो हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, हम उसे क्यों करते हैं? हम वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें मनुष्यों को प्रसन्न करना है, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं और दिखाने के लिए नहीं। मैं जब 98 में मैंने रिजाइन किया अपनी नौकरी से, उससे पहले मैं जब नौकरी किया करता था, मेरे साथ में एक व्यक्ति था और उसके साथ एक बात थी कि वो बाकी समय सब जो है पूरी मकारी करता था, और जैसे ही हमारे बॉस जो है आसपास कहीं दिखते थे तो वो तुरंत जो है कंप्यूटर पे जो है बहुत ज़्यादा बिजी दिखाई देने लगता था। ऐसा लगता था कि उसके अलावा इस ऑफिस में जो है इतने निष्ठा से काम करने वाला, ईमानदारी से काम करने वाला और कोई नहीं है। क्या है, क्या कर रहा है वो? वो अपने काम को ईमानदारी से नहीं परंतु दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस बताता है कि मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से हम जो कार्य करते हैं, जो कुछ भी कार्य दिया गया, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, हम अपने स्थानों पर ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, निष्ठा के साथ, मन की सीधाई के साथ और परमेश्वर के भय में काम करें। आगे क्या कहता है, तन मन से करो। अपने काम में मक्कारी करना एक विश्वासी के लिए बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह की एक अच्छी गवाही पेश नहीं करता है। फिर क्या लिखा है, तन मन से करो, मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करो। ये समझो कि तुम ये किसके लिए कर रहे हो, प्रभु के लिए कर रहे हो। क्या हमने अपने कार्यों को कभी इस तरह से देखा है कि मैं जो ये नौकरी कर रहा हूं या मैं जो ये व्यवसाय कर रहा हूं या छोटे से छोटा कार्य जो हो, जो बड़े से बड़े बड़ा जो कार्य हो, मैं ये जो कर रहा हूं ये मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं। हो सकता है मेरे ऊपर जो अधिकारी हैं वो उसे न देख रहे हो या उसे न उसे अप्रिशिएट ना करते हो, उसकी प्रशंसा ना करते हो। कई बार वो हो सकता है गलत रीति से मेरे साथ पेश आते हो, परंतु मैं परमेश्वर के भय में अपना सबसे उत्तम मैं देना चाहता हूं क्योंकि मैं इस कार्य को प्रभु ने मुझे दिया है। फिर क्या लिखा है, तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। क्या इस तरह से सोचा है आपने? जो प्रभु की सेवा करते हैं बिना नौकरी के किसी सीमा के, उनके बारे में कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु उनको 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 प्रतिफल देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, आपको जो कार्य दिया गया है उससे आप जब ईमानदारी के साथ प्रभु के लिए करते हैं तो प्रभु एक दिन उसके लिए भी आपको प्रतिफल देने वाले हैं। लिखा प्रभु से मीरास मिलेगी, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने कार्य को इस तरह से देख सकें। और फिर चौथे अध्याय के पहले पद में लिखा है, स्वामी अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो। हमें हो सकता है हमारे घरों में काम करने के लिए कुछ लोग आते हों, हम उनका मेहनताना जो भी उनको उनको उनका जो जायज़ है उसको समय पर दें, उनको दें और उनके साथ कोई अन्याय न करें। क्या लिखा है, स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। सातवें पद या तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से, या सातवें पद में लिखा है, प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक तुखिकुस जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। हम मेरे जैसे जो प्रभु की जो सेवा करते हैं हमसे भी ये प्रभु की अपेक्षा है कि हम विश्वास योग्यता के साथ प्रभु की सेवा करें, इस बात को जानते हुए कि प्रभु हमारे जीवन का एक दिन लेखा लेने वाला है। तो हमारे कार्यस्थल पर जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर हमारी गवाही
कैसी होनी चाहिए, हमें हमने इस बात को देखा। आगे हम देखेंगे, मैं सोचता हूँ कि आप में से कुछ लोग होंगे जो जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आपको प्रभु ने किसी विद्यालय में रखा है या कोई किसी कॉलेज में रखा है, स्कूल में हैं आप, कॉलेज में हैं आप, पढ़ाई करते हैं, एक विश्वासी का जो की जो गवाही एक कैंपस के अंदर या अपने विद्यालय में, अपने कॉलेज में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने अपने शिक्षकों के बीच में कैसा होना चाहिए, है ना। मैं चाहूँगा कि एक भाग निकालें, बहुत ही सुंदर एक उदाहरण है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का है। लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, उसका 52वां पद, लूका 2 का 52, वहां हम ऐसा पढ़ते हैं, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। यहां किसका उदाहरण है? यहां पर प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण है। और क्या कहा गया है प्रभु यीशु मसीह के बारे में? यह बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह बढ़ता गया, प्रभु यीशु मसीह में डेवलपमेंट होता गया, विकास होता गया, प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व में हम एक संपूर्ण विकास को हम देख सकते हैं। किस तरह से देखते हैं? हम देखते हैं बुद्धि में, उसके बाद डील डॉल में, और फिर परमेश्वर के और मनुष्यों की प्रीति में या अनुग्रह में वो बढ़ता गया, इस तरह से लिखा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप में से जितने स्टूडेंट्स हैं, है ना, जितने विद्यार्थी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें जो विद्यार्थी के रूप में ये जो समय दिया है, ये बहुत ही बहुमूल्य है। और बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि आपको ये जो जो कुछ वर्ष प्रभु ने दिए हैं ना, आप हो सकता है स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, ये जो समय आपको प्रभु ने दिया है ना, ये बहुत जल्दी गुजर जाएंगे। और ये जो समय दिया है, ये प्रभु ने एक बहुत ही अमूल्य अवसर प्रभु ने आपको दिया है कि आप अपने कॉलेज में या अपने कैंपस में प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे सकें। किस तरह से देंगे? हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कैसे देखते हैं? वो बुद्धि में बढ़ते गए, ऐसा हम पढ़ते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है, बौद्धिक रूप से उनका विकास हुआ। और परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर के भय में यदि हम चलेंगे तो फिर जो है, जैसा गीतकार कहता है कि प्रभु के भय में तू जो चलेगा, ज्ञान और बुद्धि के सोते बहेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे, प्रभु का भय मानेंगे, प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आपको बुद्धि देंगे। याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं कि याकूब कहता है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाह ना दिए देता है। दानियल के पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि दानियल और उसके मित्रों ने किस तरह से परमेश्वर का भय माना, परमेश्वर का आदर किया, और उसका उसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको बुद्धि दी, समझ दी, और उनका जो परफॉर्मेंस है, उनका जो उनकी प्रवीणता जो है, वो सारे लोगों से, वहां पर जितने लोग थे उनके साथ में, उन सबसे बढ़कर थी। अपने जीवन के अनुभव से मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का भय यदि हम मानेंगे ना, परमेश्वर हमारी बुद्धि को खोलेगा। मैं और कितने सारे लोगों का आपका उदाहरण दे सकता हूं, जो बुद्धि में बहुत ही औसत बुद्धि के लोग थे, बहुत एवरेज परफॉर्मर थे, परंतु जब उन्होंने परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का निर्णय लिया, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपा, परमेश्वर ने उनकी बुद्धि को खोल दिया, प्रभु ने उनको प्रवीणता दी अपने काम में। तो इसलिए आप अपने कॉलेज और कैंपस में यदि आप प्रभु यीशु मसीह के अच्छे गवाह बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर का भय माने, और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा कि आप पढ़ाई में भी, अपने पढ़ाई के द्वारा भी एक अच्छी गवाही पेश कर सकें। यदि हम लापरवाही के साथ अपने स्कूल के या कॉलेज की पढ़ाई को लेते हैं, बहुत लापरवाही के साथ क्लासेस को बंक कर देते हैं, जब चाहे जो है दोस्तों के साथ निकल पड़ते हैं, या फिर जो है जो परिश्रम हमें करना है वो नहीं करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या ये एक अच्छा उदाहरण होगा? प्रभु ने एक बहुत सीमित समय
आपको दिया है एक विद्यार्थी के रूप में, बहुत समय सीमित समय दिया है, और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने विद्यार्थी समय के दौरान अनेक लोगों के ऊपर बहुत बड़ा बड़ी छाप छोड़ दी, उनके कारण कई लोग प्रभु में आ गए। क्या कारण था मालूम है? क्योंकि उन्होंने अपने उस कॉलेज या स्कूल के समय को बहुत बहुमूल्य समझा, उन्होंने परमेश्वर के भय में रहकर अपना जीवन बिताया और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, उनका उनका वो बौद्धिक बुद्धि से बुद्धि में प्रभु ने उन्हें आशीष दी, प्रभु ने उनकी सहायता की। फिर आगे हम पढ़ते हैं डील डॉल में शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभु यीशु मसीह का विकास हुआ। हम अपने मैं जो विद्यार्थी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आलसी आलस का और बिना किसी उद्देश्य के अपने जीवन को बिताना जो है वो हमारे जीवन को एक अच्छी गवाही के रूप में पेश नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर माने समझें और उसे स्वस्थ रखें, अच्छा खाएं, व्यायाम करें, शरीर को शुद्ध रखें, अशुद्ध चीज़ों के लिए पाप के लिए अपने शरीर को न सौंपें और परिश्रम करें मानसिक रूप से क्या बोलना चाहिए बढ़ने के लिए परिश्रम करें, पढ़ें, है ना, ज़्यादा समय पढ़ने के लिए समय निकालें, और इस तरह से परमेश्वर के वचन को भी पढ़ना है, हमें जो प्रभु ने विद्यार्थी के रूप में जो हमें जिम्मेदारी दी है उसे करना है। इस तरह से एक अच्छी गवाही अपने विद्यालय या कॉलेज में हमें रखने की ज़रूरत है। फिर आगे हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो परमेश्वर और मनुष्यों की प्रीति में या अनुग्रह में बढ़ते गए। इस तरह से हम पढ़ते हैं परमेश्वर के साथ हमारा जो वर्टिकल जो संबंध है वो हमारा मनुष्यों के साथ का जो संबंध है उसे प्रभावित करेगा, और इसलिए यदि परमेश्वर को हम प्रथम स्थान देंगे तो फिर मनुष्यों के साथ सही रीति से अपने दोस्तों के साथ एक सही अप्रोच या एक सही तरीके से उनके साथ संबंध रखने के लिए और उनके ऊपर अच्छा प्रभाव डालने के लिए प्रभु हमारी सहायता करेंगे, प्रभु हमारी सहायता करें कि ऐसा हम कर सकें। तो हमने ये जो क्षेत्र देखे हैं उन्हें हम फिर से देखेंगे। हमने देखा कि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर एक मसीह के रूप में हमारी गवाही कैसी होनी चाहिए। फिर हमने देखा कि हमारे कार्यस्थल पर जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर हमारी गवाही कैसी होनी चाहिए। हम में से जितने विद्यार्थी हैं हमारे विद्यालय या कॉलेज में हमारी गवाही कैसी होनी चाहिए। एक और बात देखकर हम इस सेशन को समाप्त करेंगे, सत्र को समाप्त करेंगे। वचन के द्वारा या घोषणा के द्वारा हमारी जो गवाही है वो सिर्फ हमारे जीवन से ही नहीं होती है, परंतु हमसे ये अपेक्षित है कि हम अपना मुंह खोलकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं, है ना। पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसके 9 को हम पढ़ें, यदि किसी को मिल जाए तो वो पढ़ सकते हैं। पहला पत्रस 2:9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इतना तो हम कई बार ध्यान देते हैं, लेकिन इसके आगे क्या लिखा है? इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। प्रकट करना है, जो अंग्रेजी में जो लिखा है उसके लिए हिंदी में जो लिखा है उसके लिए अंग्रेजी शब्द है प्रोक्लेम या घोषणा करो। तो हमारे मसीही जीवन के द्वारा और साथ साथ में हमारे बातचीत से हमारे मुंह से भी ये बात निकलनी चाहिए कि हम कौन हैं। हमारे जीवन में अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं, परिस्थितियां आती हैं जब परमेश्वर हमें अवसर देते हैं कि हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकें। दानियल की पुस्तक में ही आप देखें, दानियल की पुस्तक 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि राजा ने एक स्वप्न देखा और उसके बाद राजा ने पूछा कि कौन इसका अर्थ बता सकता है, कोई बता नहीं पाया। फिर किसी ने बोला कि दानियल बता सकता है। दानियल से राजा पूछता है कि क्या तू इसका अर्थ बता सकता है? दानियल क्या बोलता मालूम है? हाँ हाँ राजा मैं बता सकता हूँ, ऐसा नहीं बोला उसने। उसने तुरंत तुरंत ये बताया कि मैं नहीं बता सकता, कोई मनुष्य नहीं बता सकता, लेकिन स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो भेदों को प्रकट करता है। और उसने उस समय पर बताया कि वो जो कर पा रहा है वो किसकी सामर्थ्य से कर पा रहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें कई बार हम जब लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उठते बैठते हैं, हमें अवसर मिलते हैं कि हम
अपने उस समय परमेश्वर हमें परिस्थितियां देते हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां देते हैं, अवसर देते हैं कि हम अपने प्रभु के बारे में बता सकें। क्या हम उनका उपयोग करते हैं, क्या हम लापरवाही के साथ उन्हें जाने देते हैं? प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने हम उन अवसरों को बहुमूल्य समझें। यूहन्ना रचित सुसमाचार में चौथे अध्याय में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह मार के थके हुए आके कुएं के पास बैठ जाते हैं। स्त्री आती है, सामरी स्त्री, प्रभु यीशु मसीह उससे पानी पूछते हैं। वो पूछती है कि आप यहूदी हैं, मुझसे पानी मांग रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह वहां से उसको सच्चाई के बारे में बताते हैं, अपनी सच्चाई उस पर प्रकट करते हैं। प्रेरितों के काम में 17वें अध्याय में देखते हैं कि एथेंस में प्रेरित पौलुस है, वहां पर उनकी मूर्तों को देखता है, उनकी वेदियों को देखता है और वहां से लेकर वो सुसमाचार सुनाने लगता है। कितने ही हमें अवसर मिलते हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जहां पर हम सुसमाचार सुना सकते हैं, प्रभु हमें अवसर देते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम उन अवसरों का उपयोग करें ताकि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता सकें। यदि हम प्रारंभिक कलीसिया को देखें, हम प्रेरितों के काम की पुस्तक 8वें अध्याय के 4थे पद में हम इस तरह से पढ़ते हैं कि कलीसिया पर बहुत बड़ा सताव हुआ और जब वो सताव हुआ तो प्रेरितों को छोड़कर सारे विश्वासी जो है वो सब तितर बितर हो गए। लेकिन उनके बारे में लिखा है जहां कहीं भी वो गए वहां पर उन्होंने सुसमाचार सुनाया। बहुत कठिनाइयों में है, घरों से भाग रहे हैं, नए स्थान पर जा रहे हैं, ऑलरेडी खतरा है, पहले से ही खतरा है, लेकिन उन्होंने सुसमाचार सुनाना बंद नहीं किया। आप ये ना सोचें कि सुसमाचार सुनाने का कार्य जो है सिर्फ सुसमाचारक का है या इवेंजलिस्ट का है। मैं आपको बताना चाहता हूं हम परमेश्वर के वचन में ऐसा नहीं देखते हैं। हम प्रेरितों के काम की पुस्तक को देखें तो हम देख सकते हैं कि जो कलीसिया में जो एक तरह का विस्फोट हुआ सुसमाचार के कारण, जो लोग आने लगे सुसमाचार को सुनकर, उनमें से ज्यादातर जो आए वो विश्वासियों के द्वारा सुसमाचार सुनाए जाने के द्वारा आए। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम जहां कहीं भी रहते हैं, जिन क्षेत्रों में प्रभु ने हमें रखा है वहां पर हम सुसमाचार सुना सकें। फिलिप्पी के विश्वासियों को देख लें, कुलुस्से के विश्वासियों को देख लें, थिस्लोनिके के विश्वासियों को देख लें, इन सब में हम, इन सारी कलीसियाओं में हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये सुसमाचार के कार्य में सहभागी थे, बहुत सक्रिय थे। एक और भाग पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूं। पहला पत्रस 3रा अध्याय उसका 15वां पद, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। नम्रता और भय के साथ प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, अपने विश्वास के बारे में बताने के लिए सदैव तैयार रहना है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम ऐसा कर सकें। हमने देखा कि अपने जीवन के द्वारा और अपने बातों से, अपने सुसमाचार की घोषणा के द्वारा किस तरह से हमें प्रभु यीशु मसीह के गवाह होना है। प्रभु ऐसा करने के लिए हमारी सहायता करे। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा होने पाए।